तो दोस्तों, इन दिनों ऋतिक रोशन अपनी अपकमिंग फिल्म विक्रम वेधा को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म का ट्रेलर बीते दिनों रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों का जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। विक्रम वेधा के ट्रेलर को अब तक यूट्यूब पर 4.5 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यूपी में सेट है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म की शूटिंग यूपी में नहीं बल्कि विदेश में हुई है, जिसके कारण विक्रम वेधा का बजट 175 करोड़ रुपए पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ऋतिक और सैफ के इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग विदेश में हुई है। ऋतिक रोशन के कहने पर ही विदेश में यूपी का सेट लगाया गया था। करीब 1.5 महीनों तक यही फिल्म की शूटिंग हुई है। फिल्म में दिखाए गए लोकेशन पूरी तरह से कृत्रिम है, और दोस्तों ऋतिक के कहने पर ही मेकर्स ने ऐसा किया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि किसी भी स्थिति में अभिनेता ऋतिक रोशन उत्तर प्रदेश के गलियों में शूट करना नहीं चाहते थे। ऋतिक ने ऐसा क्यों किया, इसकी आधिकारिक पुष्टि तो अभी नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों ऋतिक रोशन से जुड़ा एक किस्सा इन दिनों सोशल मीडिया में छाया हुआ है और तेजी से वायरल हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं उस किस्से के बारे में। दोस्तों, ये किस्सा उस समय का है जब अभिनेता अपने करियर की शुरुआत में थे। उनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है सिने लवर्स के दिलों में छाई हुई थी। उस समय ऋतिक रोशन की एक झलक पाने के लिए उनके तमाम फैंस बेताब रहते थे, और लखनऊ में इसी दौरान एक शो का आयोजन किया गया था, जिसमें ऋतिक रोशन को बुलाया गया। ऋतिक को देखने के लिए अपार जनसमूह उमड़ पड़ा, और इसी दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हो गया और भगदड़ मच गई। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद ऋतिक रोशन ने कभी लखनऊ में अपनी फिल्म शूट नहीं की, और अब ऐसे में यूजर्स इसी घटना को ऋतिक रोशन की एक्शन थ्रिलर फिल्म विक्रम वेधा से जोड़कर देख रहे हैं। दोस्तों, तमाम लोगों का कहना है कि शायद यही वजह है कि ऋतिक रोशन ने विक्रम वेधा की शूटिंग लखनऊ में नहीं बल्कि विदेशों में की है। वही दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म विक्रम वेधा 30 सितंबर 2022 को तमाम सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, और उनके तमाम फैंस इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ऋतिक रोशन के तमाम फैंस, आप बताइए कि आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जरूर शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, और बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।